आज बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व में पटना में कांग्रेस समेत समस्त विरोधी दल एकाठी होती 2024 बीजेपी विरोध में निर्वाचन लड़बार प्रस्तुति पर विरोधी दल मान महामेली को फोटो सेसन बोली जम्मू ठारे संबोधन करने अवसर में परिहास कर अमित शाह सेपरी कांग्रेस बीजेपी को एका सामना करी एवं समर्थन चाहूँ बोली प्रमाणित करी आज गणमाध्यम को कहते केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी आज 2024 साधारण निर्वाचन में मोदी को मिलित भाव टक्कर देवाक रणनीति प्रस्तुत हो बैठक में जोगदेक पटना में पहुंचे सारी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जोगदेह झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रमुख एक बैठक में जोगदे पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं कितने भी हाथ मिला लो आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है।